गज्जू तू भी करेगा ना कर लिए। हाँ ब्रदर कितने लिए कटेगा राम राम दोस्तों, स्वागत आपका मेरे नए व्लॉग में। तो दोस्तों आज का व्लॉग थोड़ा स्पेशल है। तो आज हमारे घर में कंपटीशन है, कबड्डी कंपटीशन, जो कि हमारे भाई जैकरण करा रहे हैं। और ये हमारे भाई कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता कांग्रेस से। तो कांग्रेस से जो भी ये सारा कंपटीशन है, जो भी कार्यक्रम है ना, तो ये सारा भाई हमारे जैकरण भाई के निर्देशनार होगा। तो भाई बताना क्या क्या आपका इस कंपटीशन को लेके, मतलब क्या रीज़न क्या आपका कराने का? रीज़न तो यही है, जिस प्रकार से आज से 2-3 महीने पहले ओलंपिक गेम्स हुए थे, उसमें हमारे देश के युवा काफ़ी अच्छी संख्या में मेडल जीत के लाए। तो यही उद्देश्य था कि युवाओं को जागरूक किया जाए, खेलों के प्रति उत्साहित, और जो उनके अंदर उनको प्रोत्साहन दिया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसको लेके लोग जागरूक हो, हमारे जो क्षेत्र के युवा हैं, और ये कंपटीशन जो कराया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा भाग लें। चाहे उन्होंने आज से 4 साल पहले कबड्डी खेल के छोड़ दी हो, या जो खेलना चाहते हो, तो उस कंपटीशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग ले सके, और खेलों के प्रति लोगों में जागरूकता फैले, रुचि बढ़े। जिससे क्या है कि आजकल जो युवा है नशे की तरफ जा रहा है, कोई गलत कामों की तरफ बढ़ रहा है, ताकि बच्चे आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। किसी कंपटीशन की तैयारी होती है, 2 महीने रहते हैं या 1 महीने रहते हैं, उससे पहले बच्चे उस तैयारी में, कंपटीशन की तैयारी में लग जाते हैं, तो उनका ध्यान है कि उस गेम की तरफ जाता है, वो जो गलत आदतें हैं, जो गलत हैबिट जो उनकी होती है, उससे, ताकि वे उनका ध्यान उस कंपटीशन की तरफ हो, उस खेल की तरफ हो, कोई भी गेम हो, चाहे वो कबड्डी हो, कुश्ती हो, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, बैडमिंटन हो, ये तमाम इस तरह के गेम हैं। तो यही हमारा है मेन मकसद और रीजन, तो यही था। तो इसमें क्या कह सकते हैं, और इस कंपटीशन के साथ साथ इसमें एक ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया हुआ है, और वो ब्लड डोनेशन कैंप क्या उसका है? वो गुरु नानक चैरिटेबल, उनका बना भी फ़ोन आया था, उन्होंने देखा था हमारे पोस्टर की, भैया हम ब्लड डोनेट कैंप लगाना चाहते हैं, मुझे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या है। तो इनमें इसमें इस कैंप में काफ़ी लोग ब्लड डोनेट करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि जागरूकता इसके लिए, ब्लड के लिए क्या है कि लोग डरते हैं ब्लड देने से, नहीं डरना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा जो ब्लड है वो ओ नेगेटिव है। तो 4 महीने पहले किसी का फ़ोन आया था, कोई बच्चा बड़ा बीमार था, कह रहे भाई किसी बच्चे को ना ओ नेगेटिव चाहिए, जाकर भाई उपलब्ध करा दो। तो मैं खुद गया था, खुद दे के आया था। ओ नेगेटिव बताते हैं कि बड़ा ही मतलब रेयर मिलता है, और जो बच्चों के लिए काफ़ी मतलब उसकी ज़रूरत होती है, छोटे बच्चों के लिए। तो यदि किसी के काम आ जाए, किसी की ज़िंदगी बच जाए किसी काम के करने से, तो कर देना चाहिए। ये तो जन हित के काम है, ये मकसद है, और हम सोच रहे हैं कि इसको हर साल बड़े लेवल पे कराने का इसका प्रयत्न रहेगा, कोशिश करेंगे। तो अगले साल भी हमारे भाई कोशिश करेंगे कि एक और बढ़िया सा कंपटीशन होए, ना कि कबड्डी, कुछ और खेलों का भी कोशिश करेंगे अभी। हाँ, थोड़ा बुड्ढों की दौड़ भी होनी चाहिए। अरे अपने गाँव में होता है, महिलाओं की दौड़ होती है, सर पे मटका रख के। अच्छा। सर पे मटका रखे ना महिलाओं की दौड़ पे, गए रात लगाए कौन जल्दी, मतलब 50 मीटर की 20 मीटर की दौड़ लगानी है, भरा मटका जो भी खाली वो देख लेंगे यहाँ पे किस प्रकार का माहौल बनता है, कैसे महिलाएं। अभी भरा मटका तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ की महिलाएं कर पाएगी, क्या है ना पहले क्या होता था, हरियाणा में 52 गज का दामन होता था, जिसको घाघरा बोलते हैं, मेरा 52 गज का घाघरा। यदि आज वाली को पराजित, आज वाली को धरण डिग जाएगी, बोलते धरण डिग की धरण डिग। हाँ मेरा वो तो नकली दामन है, जो असली दामन है ना वो तो बहुत लंबा होता है, 52 गज का, वाकई 52 गज का होता है। और जो आज की हमारी माताएं बहनें यदि पहन लेगी ना, तो मैं कहता हूँ उनके पेट में दर्द हो जाएगा, नहीं पहन पाएगी। तो 52 गज का, और रही मटके हैं पानी भर के चलने वाले, वो तो मुझे लगता नहीं मुमकिन सी चीज़ आज के। हाँ, लेकिन खाली मटका या खाली टोकनी ऐसे लेके, टोकनी होती है ना जो उसकी स्टील की होती है ना, ताकि पड़ेगी फूटेगी भी नहीं। तो इस तरह का कोई, इस तरह के कॉम्पिटिशन कराएंगे, लोगों को ना रुचि ज़्यादा बढ़े, बस यही मकसद है। खेल कूद में आगे बढ़े, युवा मजबूत होगा। तो दोस्तों बस इसमें इतना ही, बाकी आप लो कबड्डी के मजे खेलते हम जाएंगे, अब आपको दिखाएंगे कबड्डी का पूरा कंपटीशन, और ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है, हम थोड़ा सा जितना हो सके हम उतना दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। तो साजी देखो, खेलेगा इंडिया है तो बढ़ेगा इंडिया, तो यही है बस।
तो साथियों ये जो हमारे भाई लेके आए थे इन्होंने आज को चला रखा है ब्रो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर व्यू आए, लाइक ये गुजारिश करें, लाइक भी करें, धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और एक बात और कहना हूँ, जय जवान जय किसान। किसान है तो ये मेरा देश है, क्योंकि अन्नदाता आज के टाइम में सबसे बड़ा, आज जो हम लोग घरों में बैठ के जो हमारे लिए खाना आ रहा है, प्रोसेस आ रहा है हमारी थाली के अंदर, तो किसान इसकी बहुत बड़ी देन है। तो हमें किसानों के प्रति भी अपना कहीं ना कहीं प्यार और लगाव बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए जय जवान जय किसान। चलो भाई, राम राम, राम राम। पकड़ ले, खींच ले, अभी भी दे धक्को इसके, पकड़ ले तो छोड़ दे। वही हो कुश्ती लड़े हो। अरे बोलो अरे योगिंदर काट दे। भैया जी ब्लड डोनेट करते हुए। हाँ भैया, कैसा लग रहा? गजू तू भी करेगा ना? मारो इतना बहुत ना कर लिए। हाँ ब्रदर, कितना लिख गए? काट दिया 10 किलो तो निकाल लिया उन्होंने। किम छोटे ना छोटे। मैं दौड़ दे इसको, इस गोल को पर निकल गया सारा। सही फ्रूटी भी हमारे संजय कराना, उस खटाना अगला नंबर मेरा ही है। यहाँ ब्लड देने के लिए आया हूँ मैं बड़ी दूर से। लेटो लेटो, जल्दी लेटो, अभी लेटो बल्कि टाइमिंग हो जाए थोड़ा सा।
जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर खड़े हो ले डॉक्टर साहब कुछ नहीं होगा इन्हें ताली भी खड़े हो गए इस मार्ग उतना ही तो दोस्तों अब हम घर आ रखे हैं और आज का जो भी कंपटीशन था कबड्डी कंपटीशन और भाई ने ब्लड डोनेट किया उसके बाद हम घर आए हैं। डोनेट करने के बाद तो बहुत अच्छा फील हो रहा है और मैं तो ये कहता हूँ सबको ब्लड डोनेट करना चाहिए क्योंकि ब्लड बार बार नया बनता है डोनेट करने के बाद और मुझे तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है ब्लड डोनेट करने के बाद। मेरे को कोई कमजोरी फील नहीं हुई बिल्कुल भी। कितनी बार डोनेट किया भाई जान? मेरा भी ये तीसरी बार थर्ड टाइम्स मैंने डोनेट किया है। तू भी तो कराने गया था अब मंद कर रखे दो महीना हुआ मंद करें तीन महीना हुआ करें ना भाई। हाँ तीन महीने में एक बार तो दो महीने पहले कर दिया कर रहा था मैंने तो ऑफिस में ऑफिस में कर रहा था झूठा इधर तो लिख समझा कार्ड दिखाओ कार्ड दिखा दिन बाद में कार्ड ठीक है वो दो बीच में कैंप लगा के कर रहा था और वहाँ पर कबड्डी का कैसा क्या सिस्टम था। हाँ बल्कि जो कबड्डी का जो गेम जो प्रोग्राम था जबरदस्त प्रोग्राम था और युवाओं ने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया भाई हम ना खेल पाया ना खेल पाए अगली बार भाई ओवरवेट थे थोड़ा सा मारमन वजन थोड़ा सा ज्यादा हो गया इसमें था इसका ही बोला था माइक में 12 मंजिल 12 जब मैं खेल गया तो उसमें मेरे जैसे दो खेल लेंगे अरे इस तेन बोला मंजीत बारो मैं तेरी कही थी मंजीत बारो अगली बार हम भाई को बोल लेंगे कि भाई ओपन कंपटीशन होए कोई भी आए कोई भी हिस्सा ले ताकि हम जैसे लोग भी खेल सके तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही था तो वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई हो तो जो जो कमी लगे कमेंट करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो ज्यादा वीडियो को फैला दो ये वीडियो ज्यादा फनी नहीं है इसमें ज्यादातर मोटिवेशन है खेलों के प्रति हो या ब्लड डोनेशन के प्रति हो किसी भी तरह का हो इसमें थोड़ा मोटिवेशन वीडियो है इसीलिए हमने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मतलब डालने की कोशिश करें कि भाई लोगों के अंदर खेल के प्रति या खून देने के प्रति किसी भी तरह का थोड़ा बहुत मोटिवेशन आए हमारी वीडियो से कुछ सीख मिले आप लोगों को इसलिए हमने इस वीडियो को ये व्लॉग एक अलग टाइप का ही व्लॉग हो गया बस वैसे डेली व्लॉग नहीं ले सकते इसका हम थोड़ा अलग हो गया ये तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही था तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए राम राम भाई राम 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 राम।